माइक्रेम आर्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बैग किस तरह से बनाते वो दिखाया है और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर आज मैं इसका बेल्ट आपको बताऊंगी कि किस तरह से बनाता है। मैंने ये सारा एक ही वीडियो में नहीं बनाया है क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता अगर मैंने एक ही वीडियो में सब दिखाया होता, तो इसलिए मैंने बेल्ट नहीं दिखाया। तो आज मैं स्पेशल बेल्ट का ही वीडियो आप लोगों को दिखाऊँगी, वो भी डिटेल में दिखाऊँगी। और एक बात है, लास्ट मैंने और एक बेल्ट का वीडियो, स्पेशल बेल्ट का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है और उससे रिलेटेड मैंने दो बैग भी डाले हैं जिस पर मैंने वो बेल्ट अप्लाई किया है उस टाइप का, उस डिज़ाइन का। तो मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है और टफ है, तो समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है। तो इसलिए आज मैं आपके लिए इजी मेथड से बेल्ट लेके आई हूँ। हमारी डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनेगी। मैंने ऑलरेडी एक यहाँ पर बनाया है और दूसरा किस तरह से बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी इस तरह की क्लिप्स यहाँ पे डाल के रखी थी। अगर कोई न्यू हो तो मैं आपको बता देती हूँ, इस बैग का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप इस बैग का वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर के कॉर्ड लिए है 4, और ये सारे कॉर्ड हमारे 2 मीटर के हैं, तो इसे हम डबल करेंगे। तो इस कॉर्ड के दोनों एंड मैंने हाथ में पकड़े हैं। तो अब हमारे पास 8 कॉर्ड हो गए क्योंकि हमने इसे डबल किया है। अब जो ये जो क्लिप है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये जो क्लिप है इसके अंदर हम इस कॉर्ड को डालेंगे। इस तरह से ये 4 अलग है और ये 4 अलग है, तो यहाँ पे बीच में जो गैप हो जाता है उसके अंदर हम ये कॉर्ड डालेंगे 8। देखिए मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, ये हमने 4-4 कॉर्ड अलग अलग रखे है हाथ में। इस 4 जो एंड है इसके कॉर्ड यहाँ पे है और इसके यहाँ पे है, और बीच से हमें इसे डालना है इस तरह से। तो ये अपने आप नॉट बन जाता है यहाँ पे। जैसे कि हम कॉर्ड को हमेशा रिंग या किसी भी चीज से फंसाते हैं, उसी तरह से हमें यहाँ पे नॉट लगाना है। अब हम इसे टाइट कर लेंगे, इस नॉट को हम अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो देखिए हमने 4 कॉर्ड अंदर डाले थे, तो हमने इसे डबल किया है, तो हमारे पास अभी 8 कॉर्ड है। इसकी थिकनेस इतनी होती है 4 कॉर्ड में। अगर आपको इसकी चौड़ाई अगर बढ़ानी हो तो आप यहाँ पे कॉर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 लिया है, आप 6 ले सकते हैं अगर आपको ये बेल्ट और थोड़ा मोटा बनाना हो तो। अब जो है हम इसमें से 1 कॉर्ड छोड़ देंगे, साइड में निकाल लेंगे 1 कॉर्ड और फिर से इसे अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब जो है हमें यहाँ से नॉट लगाना है। इस तरह से ये जो कॉर्ड है इसको इस तरह से अंदर से बाहर, फर्स्ट नॉट लगाते वक्त भी हम इस बड़े नॉट को फिर से एक बार टाइट कर लेंगे। और देखिए यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ,
ऊपर से नीचे की तरफ। इसी तरह से हमें ये नॉट लगाते हुए आगे बढ़ना है। तो हमें कुछ इस तरह से डिज़ाइन मिलेगी। ये स्पाइरल नॉट नहीं है, लेकिन स्पाइरल नॉट की तरह ये डिज़ाइन है। इसमें हमें सिर्फ सिंपल नॉट लगाना है। ये अपने आप इस तरह से टर्न होते चला जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पे नॉट लगाना है। बताया था ये सारे कॉर्ड हमने 2 मीटर के लिए थे और इसे हमने हाफ कर दिया, तो सारे कॉर्ड यहाँ पे 1 मीटर के हो गए, क्योंकि हमें बेल्ट तो शॉर्ट ही बनाना है, तो 1 मीटर में ये बन जाएगा। लेकिन जो एक कॉर्ड हमने साइड में निकाली थी, जिससे हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं, वो 1 मीटर में ये, मतलब 1 मीटर में ये डिज़ाइन तो इतनी ही बन जाती है। तो ये हमें कॉर्ड बहुत ही लंबा लेना पड़ेगा और ये हमें कम पड़ जाएगा, तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ अभी ज्वाइन कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जो कॉर्ड यूज़ कर रही हूँ, मैं बहुत लंबी नहीं लूँगी, क्योंकि अगर लंबा कॉर्ड हमने लिया तो ये करते वक्त थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जैसे जैसे लगता है एक्स्ट्रा, वैसे वैसे मैं यहाँ पे ऐड करते जाऊँगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये कॉर्ड ज्वाइन की है। अब हम फिर से यही डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इसका स्पाइरल थोड़ा, मतलब पास पास में चाहिए, तो आप इसे इस तरह से ट्विस्ट कर सकते हैं, तो इसके स्पाइरल और थोड़े ज़्यादा बन जाएंगे। रखा है, इसकी हाइट मुझे जितनी चाहिए उतनी मैंने उतना ही बेल्ट मैंने बनाया है। ये बेल्ट की जो लेंथ है वो 24 इंच है
और कुछ लोगों को बेल्ट बड़ा अच्छा लगता है, कुछ को छोटा अच्छा लगता है, तो किसी को मीडियम अच्छा लगता है। तो ये चॉइस आप पर है, आपको बेल्ट की लेंथ कितनी रखनी है। तो मैंने यहाँ पे जो बेल्ट की लेंथ रखी है वो 24 इंच है, और जो मैंने पहला बेल्ट बनाया है मैं उसी मेजरमेंट से अब ये दूसरा बेल्ट यहाँ पे लगाऊंगी। तो अब मैंने इसकी हाइट देख ली है, ये दोनों बेल्ट की हाइट सेम है, तो मैं ये डिज़ाइन यहीं पर स्टॉप करूंगी। अब हम इसे फिर से चार चार में डिवाइड करेंगे और इस रिंग के अंदर डाल देंगे। यहाँ पे इसे मैंने फिर से इस रिंग के अंदर डालकर इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है, यहाँ पे चार और यहाँ पे चार, और अब हम इसे मिला लेंगे। और यहाँ पे ये जो चार चार का पार्ट है इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से, और इसे टाइट कर लेंगे। सारे कॉर्ड को अच्छे से खींच लेंगे। अब ये जो सारे कॉर्ड है इसे हम इसके ऊपर इस तरह से टर्न कर लेंगे। देखिए, और एक बार दिखाती हूँ। इसे अच्छे से टाइट कर लेंगे और इसे इसके ऊपर सारे कॉर्ड को इसके ऊपर डाल देंगे, और फिर यही सारे कॉर्ड लेकर हम इसे नीचे से एक टर्न देंगे इस तरह से। और ये सारे कॉर्ड अब हम कट कर देंगे। इसे अच्छे से जलाकर यहाँ पे स्टिक कर देंगे। इसे अच्छे से स्टिक कर देंगे। देखिए, इस तरह से ये हमारे बेल्ट बनके रेडी है। ये बहुत ही इजी डिज़ाइन है, इजी मेथड है, और दिखने में भी ये बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है। तो आप इस बेल्ट को ज़रूर ट्राई करें और आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और कुछ डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन आता है उसे प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।